हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगी ओसीडी के बारे में। ओसीडी आप जानते हैं, मेरी वीडियोस देख के समझ गए हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें एक व्यक्ति के दिमाग में एक ही तरीके के विचार बार बार आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है, फियरफुल होता है वो पर्सन, एंड फिर उसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ या तो फिजिकल कंपल्शंस करने होते हैं, या फिर वो प्रॉक्सी कंपल्शन भी कराता है, या फिर कुछ लोग मेंटल कंपल्शंस करते हैं। किसी भी तरीके की ओसीडी हो, सभी लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि मैं फिर से सॉल्यूशंस पर बात करूंगी। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस बिल्कुल फ्री है। मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और कमेंट कर भी मुझे लास्ट में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम, जिसमें कोर बिलीफ, थॉट, फीलिंग और एक्शन। अब आपको किसी भी तरीके की ओसीडी हो तो क्या है, एक पर्सन के दिमाग में कुछ थॉट्स जो है ना, क्या आते हैं, ये रिपीटेड थॉट्स आते हैं। रिपीटेड थॉट्स बार 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 आते रहते हैं उसके दिमाग में। अब ये जो रिपीटेड थॉट्स आते हैं, ये फीलिंग्स, कैसी फीलिंग्स होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, मतलब अनकंट्रोलेबल होती हैं, अनकंट्रोलेबल फीलिंग होती हैं। पर्सन चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब ये फीलिंग कैसी कैसी होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा फियर्स होते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देने वाली होती हैं, उसको इरिटेट कर देती हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स की वजह से वो पर्सन क्या करता रहता है, कुछ एक्शंस जिसको कंपल्शंस कहते हैं, जैसे चाहे अगर वो कंटैमिनेशन की हो तो कुछ ना कुछ हाथ धोते रहना या कपड़े धोते रहना, ऐसा सफाई करते रहना, किसी को चेकिंग की है तो कुछ चेक करते रहना, इस तरह से जो भी जिसको जिस तरीके की ओसीडी है वो कुछ ना कुछ कंपल्शंस करते रहता है। कुछ लोग मेंटल कंपल्शंस करते हैं, कुछ लोग फिजिकल कंपल्शंस करते हैं। अब ये जो थॉट्स आते हैं, ये क्यों आते हैं, ये हमारे कोर बिलीफ के बारे में। तो ये जो कोर बिलीफ होते हैं वो ओसीडी से रिलेटेड, उस पर्सन के जिस भी तरीके की उसको ओसीडी हुई होती है उससे रिलेटेड कुछ कोर बिलीफ उसके अंदर सेट हो जाते हैं। अभी जो कोर बिलीफ है, आप समझते हैं मेरी वीडियोस देखकर कि इनकी नेचर कंट्रोलिंग होती है, और एक पर्सन का कोर बिलीफ जैसा होता है उसी से रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स पैदा होती रहती हैं, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब लोग ओसीडी से रिलेटेड कोर बिलीफ नहीं अपने एक्सेस कर पाते। मैं बार बार बिलीफ सिस्टम पर बात कर रही हूँ, मैं बार बार कोर बिलीफ के बारे में बता रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग अपने कोर बिलीफ को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक केस स्टडी को एग्जांपल देकर आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी जो सीबीटी, ईआरपी थेरेपीज हैं, जो माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन हैं, वो कैसे कैसे काम करता है। तो ये जो ओसीडी की कहानी है, ये ओसीडी है 27 साल के एक लड़के की। अब उसको तीन थीम की ओसीडी एक साथ हो गई। उसको कौन कौन सी थीम थी, उसको चेकिंग की थीम थी। तो ये मैं बता रही हूँ एक लड़की की स्टोरी, जिसको चेकिंग की एक थीम थी, उसको चेक करने की बहुत ज़्यादा वो थी। इसके अलावा, चेकिंग के अलावा उसको क्या था, रिलीजियस, यानी कि उसके मन में भगवान के प्रति कुछ ऐसे अनवांटेड थॉट आते थे जिससे उसको बहुत शेम फील होती थी, बहुत गिल्टी फील होता था, वो चाहता नहीं था लेकिन उसके दिमाग में आता था। और जो तीसरी थीम हुई उसको, वो हो गई कंटेमिनेशन की, क्लीनिंग वाली हो गई। ये तीन थीम उसको ओसीडी की थी। अब ये जब तीन थीम उसको ओसीडी की थी, वो क्या करता था, कोई भी चीज़ को, चाहे वो अपनी गाड़ी का लॉक हो या फिर कोई अलमारी हो, कुछ भी हो, वो बार 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 चेक करता रहता था। अब उसके मन में भगवान के प्रति भी, देवी के प्रति भी अलग अलग तरीके के विचार आते थे, उसको कुछ सेक्सुअल इमेजेस भी आती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा गिल्ट और वो फील करता था, घृणा फील करता था अपने आप को गंदा। तो उस चक्कर में उसको एक क्लीनिंग की ओसीडी भी हो गई, सफाई वाली भी हो गई, क्योंकि उसको लगता था कि वो गंदा व्यक्ति है। अब इसी से रिलेटेड, तीनों थीम से रिलेटेड रिपीटेडली थॉट्स आते रहते थे, चाहे वो अपनी शॉप पर बैठा हो, उसका शॉप था, वो उस पर बैठा था, अपने फादर के शोरूम, उनका अच्छा खासा काम था, वो बैठता था तो वहाँ पर वो पहले बहुत अच्छा संभाल रहा था सब कुछ, और संभालता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसको ये थीम्स ने अटैक करना स्टार्ट किया ओसीडी की, तो वो चाहे अपने शोरूम पर बैठा हुआ हो, क्लाइंट्स को, अपने जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको डील कर रहा हो, या कुछ भी काम कर रहा हो, या अपने मोबाइल को यूज़ कर रहा हो, या सिंपल खाली बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो उसके दिमाग पे कुछ ना कुछ इस तरीके के विचार आते रहते थे।
अब वो इन विचारों के आने से बहुत परेशान था। उसकी जिद हो गई कि विचार आ क्यों रहे हैं आखिरकार। अब वो इनको समझ नहीं पा रहा था, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा डेवलप होने लग गया। उसको क्या फीलिंग होती थी इन थीम्स से, उसको मेनली एंगर फील होता था, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती थी, उसको बहुत गिल्ट फील होता था और उसको बहुत शेम आती थी उसके अंदर कि ये थॉट्स आ क्यों रहे हैं, कि क्या मैं अच्छा नहीं। और उसके अंदर क्या हुआ, इससे सुसाइडल थॉट्स बनने लगी। उसको ऐसा लगने लगा कि अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई है, मैं इतना ख़राब, पता नहीं मेरे को क्या पाप किया मैंने, किस तरीके से मुझे कर्ज मिल रहा है किसी का, भगवान मुझसे नाराज़ हो गए, इस तरीके के विचार उसके मन में आते थे। और उसके अंदर क्या हो गया, सुसाइडल थॉट भी डेवलप हो गई। अब इसका जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस हुआ वो हुआ सुसाइडल थॉट। अब सुसाइडल थॉट तक जब बात आ जाती है तो बात बड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि एक पर्सन निराश हो गया है, मतलब उसे लग रहा है वो ठीक ही नहीं हो सकता, उसे लग रहा है वही एक अकेला है जो सफ़र कर रहा है और उसको कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इतनी बुरी हालत उसकी हो गई क्योंकि उसको बहुत अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स होती थी और बहुत ही ज़्यादा वो इरीटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर वो क्या करता था, भगवान से माफ़ी मांगने लगा। तो उसका जो कंपल्शन था वो क्या था भाई, सॉरी कहना बार बार, क्लीनिंग करना बार बार। क्लीनिंग में भी क्या था, अपनी बॉडी की क्लीनिंग, कि क्योंकि सेक्सुअल इमेजेस आती थी तो उसकी वजह से वो बार बार नहाने लगा, रिपीटेडली नहाना। अब दिन में कोई अगर 15-16 बार नहाएगा तो आप ये देखिए कि उसका क्या हल होगा। और क्लीनिंग क्या, वो हर समय अपने हाथ की, इन्हीं हाथों से, मतलब कुछ जो इमेजेस आती थी उसको इस तरीके से होने लगा। अपने आसपास का एनवायरनमेंट, सब जगह उसको गंदा 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 फील होता था, क्योंकि उसको ऐसा दिखाई देता था कि कई जगह सीमन पड़ा है, तो वो सब क्लीनिंग का उसको एक वहम हो गया। तो क्लीनिंग एक्सेसिवली करना, बेदिंग, ये सब उसके कंपल्शन थे। साथ ही साथ उसको चेकिंग का, तो बार बार क्या करता था वो, जो भी चीज़ था वो चेक करता रहता था। अब ये सब कुछ में इसका इतना टाइम एंगेज होने लगा कि धीरे धीरे उसका काम से भी मन हटने लगा। उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगे, परेशान होने लगे, भाई डेफिनेटली अगर कोई पर्सन बता नहीं रहा है कि वो क्या चीज़ सफ़र कर रहा है तो घर वालों को कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसने छुपाया, किसी से कुछ बताया नहीं। तो सब लोगों को लगा कि लड़का बिगड़ गया है। फादर ने गुस्सा करने लगे, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं, उन्हें क्या पता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो वो गुस्सा करने लगे कि तुम काम पे ध्यान नहीं देते हो, तुम आते नहीं हो, और परेशान होने लगा। मतलब वो इस दुविधा में फंस गया कि मैं घर वालों को बताऊं या नहीं बताऊं। तो देखिए भाई, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो घर वालों को ज़रूर बता दीजिए, भले ही आपके घर वाले समझे या ना समझे, लेकिन आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि मैक्सिमम घर वाले समझ जाते हैं। हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं जिसमें वो लोग नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से बता देना है। आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस है, इतनी वीडियोस हैं, गूगल पे इन्फॉर्मेशन है। तो अगर वो आपको नहीं समझ रहे हैं, आपका विश्वास नहीं करें, कहने फिजूल के विश्वास से इग्नोर करो, तो प्लीज़ आप उन्हें कोई ना कोई ऐसा वीडियो रेफ़र कर दीजिए, या फिर उन्हें गूगल से कोई ब्लॉग जो है ना, कुछ आर्टिकल ऐसा रेफ़र कर दीजिए, ताकि वो समझ जाएँ कि भाई ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। तो अब वो लड़का बहुत टाइम तक अकेला अकेला सफ़र कर रहा था। अब सफ़र करते करते कैसे भी, क्योंकि वो बड़ा हो गया था, थोड़ा कमाने लग गया था, 27 साल का था, तो उसने खैर बिना घर वालों को बताए कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे मैम, और वो पहले दिन मुझसे भी बहुत हेजिटेट कर रहा था, और वो अपनी चेकिंग वाली थीम बता दी, क्लीनिंग वाली थीम बता दी, लेकिन जो रिलीजियस वाली थी जिसमें उसके दिमाग में सेक्सुअल वो आते थे, शर्म के मारे उसको बताने से, मतलब उसने छुपा लिया उसको बाद। अब जब छुपा लिया तो मैंने उसको बोला और भी कोई थीम है, और भी कोई थीम है, तो वो बार बार चुप हो जाता। उसकी आंखें देख के मुझे लग रहा था कि कुछ छुपा रहा है। तो मैंने उसको ऐसे ही आइडिया कि देखो, इस तरीके की भी विचार आते हैं लोगों को ना, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी भगवान के लिए, कभी इस तरीके से। तो जैसे ही ऐसा मैंने बोला तो उसकी आंखों से टप 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 आंसू आ गए, और उसने बोला कि मैम मेरे को कहने में शर्म आ रही थी, मेरे साथ ये होता है। अब जब पता चल गया कि उसको ये तीन मेन थीम थी, तो अब क्या था कि उसको बोला कि भाई देखो, इसका इलाज है, और इस तरीके से तो विचारों की बीमारी है, और इसके लिए ये थेरेपीज होती हैं, वो काम कर जाती हैं। तो अब मैंने उसको बताया कि मेन जो थॉट्स के लेवल पर काम करते हैं वो CBT से काम करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आप जानते ही हैं क्या है, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का कनेक्शन बताया जाता है। तो अब जो CBT है वो बेसिकली थॉट लेवल पर काम करती है। अब CBT में ही अपने एक पावरफुल थेरेपी है। अब CBT में क्या क्या होता है, यानी कि आपके कॉग्निशन से रिलेटेड काम, यानी कि आपके थॉट फॉर्म पे काम किया जाता है, आपके कॉग्निशन पर। CBT की ही माइंडफुलनेस टेक्निक्स होती हैं, जिसमें एक्सरसाइजेस, इमेजिनेशन टेक्निक्स, मेंटल एक्सपोजर टेक्निक्स होती हैं, जिससे कि एक इंसान की फीलिंग्स को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, माइंडफुलनेस टेक्निक्स होती हैं, यहाँ पर एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस भी होते हैं अलग अलग तरीके से, और अवेयरनेस एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जो 5 senses की एक्सरसाइज होती हैं, 5 senses एक्सरसाइजेस होती हैं।
इन सबसे क्या है, एक पर्सन को अपनी फीलिंग्स को चेंज करना, फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और फिर ये जो CBT है उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट एक थेरेपी होती है ERP, जो कि आपके एक्शंस यानी कि बिहेवियर पर काम करती है, जिसमें कि आपको एक्सपोज कराया जाता है एक्चुअल में आपके जो कंपल्शंस होते हैं उनके लिए, और आपको वो एंग्जाइटी को मैनेज करना सिखाया जाता है, और वहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है उसको प्रिवेंट करना होता है, मतलब कंपल्शन नहीं करना होता है, उस एंग्जाइटी को बियर करना, वो सब टेक्निक ERP में सिखाया जाता है। तो इस तरीके से उसको बताया गया कि भाई ये मोस्ट इफेक्टिव वो है, और उसके साथ साथ एक अलग ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे हिप्नोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी होता है। इसमें जो है ना, आप हिप्नोथेरेपी से भी क्या कर सकते हो, अपने मेंटल एक्सपोजर्स करके, क्योंकि हिप्नोथेरेपी आपको अलाउ करती है मेंटल एक्सपोजर्स करने के लिए, जो आप एक्चुअल में पहले रियल में नहीं कर पा रहे होते, तो जब आप उस डीप सबकॉन्शियस ट्रांस स्टेट में मेंटल एक्सपोजर्स करते हैं तो माइंड के पास एक एक्सपीरियंस आता है, भले ही वो एक्चुअल एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये रियल एक्सपीरियंस था या रियल एक्सपीरियंस था, एंड आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाता है, क्योंकि माइंड के पास वो एक्सपीरियंस होने की वजह से वो नेक्स्ट टाइम आपको सपोर्ट करने लगता है। तो हिप्नोथेरेपी भी एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है OCD को ट्रीट करने के लिए। तो अब इतने लेवल पर उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे करना है, अब करना है, करना तो है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि ये थॉट पे काम करने से क्या होगा। मैम ये जो शीट्स आप जो बता रहे हो इतनी टेक्निक से बेटे की, किस तरीके से डिस्प्यूट करो, ऐसे कॉलम करना है, ये जो आप टूल्स दे रहे हो मुझे, ये लिखने से क्या होगा। तो मैं आपको इस वीडियो से बताना चाहती हूँ भाई, देखिए OCD में तीन चीज़ें हैं, एक है आपका विचार, एक है आपका एहसास, और एक है आपका व्यवहार। तो तीनों लेवल पर ही तो काम करना पड़ेगा। तो विचार के लेवल पर जब तक आप उस विचार को डिस्प्यूट नहीं करोगे, क्योंकि OCD वाला कहता है कि मैं तो जानता हूँ ये विचार बेकार है। हाँ आप जानते हैं कि वो विचार बेकार है, लेकिन जब तक आप उसे लॉजिकल वे में डिस्प्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि OCD में क्या हो रहा है, आप अपनी भावनाओं से चल रहे होते हैं, इमोशंस पर, लॉजिक आपको पता होता है लेकिन आप उसको कर नहीं पाते हैं, मतलब उसके हिसाब से आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे लॉजिक पता होने का भी क्या फ़ायदा है। उसको प्रॉपर वे में डीपली डिस्प्यूट करना, इस तरह से डिस्प्यूट करना जैसे एक वकील बाल की खाल निकाल लेता है, पूरी तरीके से एविडेंस बेसिस करना। तो आप जो है ना, जो आपका OCD आपको बता रहा होता है, मैंने और भी पहली वीडियो में बताया कि OCD आपको एक मैसेज देना चाहता है, एक लर्निंग उसमें छुपी हुई होती है। तो जब तक आप उससे OCD का मैसेज नहीं ले लेते हैं, वो बार 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 आपको परेशान करता है। तो क्या करना है हमें, ये जो रिपीटेड थॉट आती है ये हमें क्या देना चाह रही है, ये हमें एक मैसेज देना चाह रही है, इसका मैसेज लेना होता है। अब वो मैसेज तो आप लेते नहीं हैं, वो कब मैसेज मिलेगा, जब आप डिस्प्यूटेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो CBT में हम बहुत सारे टूल्स देते हैं जिससे आप डीपली अपने उस थॉट को डिस्प्यूट करते हैं, बिल्कुल उसी वे में, लॉजिकल वे में, जैसे एक वकील बाल की खाल निकालता है पूरा डीप में जाकर। तो वहाँ पर आपका वो मैसेज निकल कर आता है, आपको समझ में आता है, मतलब जो आपको पहले से पता होता है वो, और आप उसे कर नहीं पा रहे होते हैं, तो वो डिस्प्यूटेशन टेक्निक से क्या होता है, आपको क्लियर एक मैसेज मिल जाता है। फिर जो माइंडफुलनेस, 5 senses की अवेयरनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन सिखाई जाती हैं, वो आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए। तो लोग क्या है, कुछ उसमें भी आलस करते हैं, चाहे मैं घर पे आपको ठीक होने के लिए कह रही हूँ या फिर आप कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो जैसे मेरे पास जब आते हैं तो यहाँ पर तो हम बहुत स्ट्रिक्टली उनको फॉलो कराते हैं हर चीज़ को। अब लेकिन अगर कोई पहले कहीं ट्रीटमेंट लेकर आया है या कुछ भी, या खुद ट्राई करा है, तो वो क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस को, मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस टेक्निक्स को, अवेयरनेस टेक्निक्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। इसको करने से क्या होगा, अरे आप हर चीज़ को अगर ऐसा बोलेंगे कि लिखने से क्या होगा, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, तो फिर आप ठीक कैसे होंगे। ठीक करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। तो एक्सरसाइजेस की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो जो इमेजिनेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो उस लेवल पर पूरा आपको डीपली वर्क करना पड़ेगा, और साथ ही साथ फिर एक्सपोजर्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर करते हैं तो आप कितने ट्रिगर्स के एक्सपोज करेंगे, क्योंकि आप अपने बिलीफ सिस्टम पर काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने थॉट्स पर, अपनी फीलिंग्स पर काम नहीं कर रहे हैं। एक इंसान जब तक एक्सपोजर नहीं कर पाएगा, जब तक वो अपने थॉट को अच्छे से डिस्प्यूट नहीं कर लेगा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना नहीं सीख जाएगा, तब तक वो एक्सपोजर कर ही नहीं सकता। वो करेगा भी तो उस टाइम पर ठीक रहेगा, लेकिन रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो पहले आपको अपने कॉग्निटिव लेवल पर बहुत अच्छी तरीके से काम करना है, तब आप सही तरीके से एक्सपोजर कर पाएंगे, और फिर रिलैप्स के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इस लड़के के साथ, जिसकी उम्र 27 साल है और 3 थीम उसके साथ थी, हमने कैसे काम किया, हमने उसको CBT के डिस्प्यूटेशन टेक्निक्स दी, जिसमें कि मैंने
आपको वो ए बी सी डी ई वाली शेयर भी कर रखी है। मैंने आपको एक और भी शेयर कर रखी कि अपना थॉट लिखिए जिसमें आप उसके जो फेवर में एविडेंस हैं और जो उसके अगेंस्ट एविडेंस है वो लिखिए और दोनों तरफ के एविडेंसेस देकर अपना एक फाइनल थॉट बनाइए। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट टेक्निक्स दे रखी हैं। इसकी बहुत सारी और भी टेक्निक्स होती हैं, लंबी लंबी टेक्निक्स होती हैं पूरा। तो उसमें क्या है कि जब हम पूरा डिस्प्यूट करना सिखाते हैं लॉजिकल थिंकिंग, उसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पकड़ने होते हैं कि कहीं ये थिंकिंग आपकी ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है, ऐसा है कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम में सोच रहे हैं, कहीं आपका हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न तो नहीं है। हम अलग अलग तरीके से डिस्प्यूट करना सिखाते हैं कि इसी सिचुएशन में और लोग क्या क्या अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो फैक्ट्स के बेसिस पर है या फीलिंग के बेसिस पर है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में जब लॉजिकली डिस्प्यूट करना सिखाते हैं तो वहाँ पर थॉट के लेवल पर काम होता है, फिर दूसरे लेवल पर फीलिंग्स के लेवल पर काम होता है, एंड देन फिर थर्ड लेवल पर आपका एक्सपोजर्स कराए जाते हैं। तो इस लड़के को कैसे किया, सबसे पहले इसके हर तरीके के रिलीजियस बिलीफ को, चेकिंग वाले और क्लीनिंग वाले को, जैसे इसका एक चेकिंग को लेकर एक बिलीफ था, क्योंकि अब इसका माइंड तो हर समय पजल्ड रहता था। तो अब क्या हुआ, उसका माइंड पजल रहता था तो इन अटेंशन की वजह से पर्सन को लगे कहीं नहीं कि भाई मैंने गाड़ी बंद करी है या क्या करे। तो मैंने उसको बोला कि आप बताओ कि आपका ये जो चेकिंग से रिलेटेड आपके अंदर ये बैठा, तो कभी कोई लॉस हुआ कि आपसे कुछ खुला छूट गया हो या किसी और तरीके से कोई भी इन 27 साल के जीवन में कोई ऐसा अनुभव रहा हो जिसकी वजह से आपका कोई मेजर लॉस हो गया हो इस पे? तो इसने बहुत जब याद कर कर बताया तो इसको याद आया कि हाँ, इससे जब ये 12 साल के करीब का था तो इससे ना सेफ खुली रह गई थी, और सेफ खुली रह गई थी तो फिर वहाँ पर उसको लॉस हुआ था, मतलब कि नुकसान हुआ था, वो खुली रह गई थी। तो नुकसान कैसा हुआ था कि कुछ इसकी मदर ने बताया था कि कुछ सामान घर की मेड वगैरह ने कुछ ऐसे उनका खो गया था, उसने लिया था या उनको कुछ गलत फहमी हो रही थी ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ लॉस हुआ था जिसकी वजह से उसकी पिटाई भी हुई थी और डांट भी पड़ी थी। तो उसको क्या था, एक वहाँ से एक फियर था कि हर चीज़ को प्रॉपरली चेक करना है कि मतलब अगर मैंने ठीक से कर दिया है नहीं कर दिया है। तो एक उसके अंदर वो नेगेटिव एक्सपीरियंस पड़ा हुआ था, और उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लर्निंग से ये भी देखा हुआ था कि उसके फादर या कोई भी पर्सन जब भी वो करते थे तो हर चीज़ को बिल्कुल ऐसे, अगर सेफ ही बंद करे तो ऐसे ऐसे करके 2-3 बार देखना इस तरीके से सेफ्टी कंसर्न की वजह से। तो वो सब उसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस मिले ऐसे ऐसे रिलीजन से रिलेटेड। तो क्या हुआ कि उसने बताया कि एक बार उनको बहुत बड़ा फैमिली लॉस हुआ था जिसकी वजह से उनका फाइनेंशियल लॉस वगैरह हो गया था, तो उनके घर में काफ़ी लोग ऐसे भगवान ने क्यों किया ये, वो थोड़ा सा नाराज़ होकर इस तरीके से। तो ये बच्चा भी, इसको समझ में नहीं आया था कि ये सब क्यों हुआ है कुछ है, तो इसने भी भगवान के प्रति कुछ नाराज़गी पाल ली थी, अंदर अंदर इसने भगवान को खूब कोसा, भला बुरा कहा, कुछ गालियाँ निकाली इस तरीके से। एक कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मुझे इसके अंदर से मिले। सेक्सुअल उससे रिलेटेड भी इस बच्चे के साथ 2 बार चाइल्ड अब्यूज़ का केस हुआ, ऑल्दो ये लड़का था लेकिन फिर भी इसको इतना बैड एक्सपीरियंसेस जो है ना इसके साथ हुए, तो वहाँ पर भी इसके अंदर बहुत सप्रेस्ड इमोशंस थे, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस थे जिसको ये सप्रेस करे हुए था इसके अंदर। इसी तरह से जो क्लीनिंग का था, वो क्लीनिंग का ऑब्सेशन इसका, क्योंकि इनके घर में शुरुआत से थोड़ा सा क्लीनिंग को लेकर ज़्यादा साफ़ सफाई, ये सही है ये साफ़ नहीं है, या इसको छूने से पहले साफ़ सफाई रखनी चाहिए नहीं तो क्या है कि घर में बरकत चली जाती है, इस तरीके के कुछ उसके अंदर बिलीव्स पड़े हुए थे। तो वो सब चीज़ें उसके अंदर फाउंडेशन में बिलीव्स पड़े हुए थे, और साथ के साथ उसने अपनी इंटरप्रिटेशन भी निकाल ली थी कि अगर मेरे मन में सेक्सुअल वो थॉट्स आ रहे हैं, इस तरीके की इमेजेस आ रही हैं, या मुझे सीमन कहीं दिखाई दे रहा है, तो वो सब क्लीनिंग से उसने जोड़ लिया था। तो अब क्या है, उसके अंदर ये सारे थीम्स रिलेटेड स्ट्रॉन्ग बिलीव्स पड़े हुए थे पहले के, अब उसके अंदर मैंने और एंग्जाइटी के कॉजेज ढूंढने की कोशिश करी तो पता चला कि वो शुरू से ही थोड़ा सेंसिटिव इमोशनल ओवरथिंक कर रहा है, और करते 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 उसने लाइफ में कई स्टेजेस पर काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी एंग्जाइटी फील करी थी, और वो थोड़ा अपने फादर से भी काफ़ी डरता था क्योंकि उसके फादर थोड़े गर्म स्वभाव के थे। तो वो करते 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 उसके दिमाग ने उस एंग्जाइटी को एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर OCD में कन्वर्ट कर दिया था, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें होने लग गई। तो अब एक एक करके उसके सारे बिलीव्स एक्सेस किए, क्योंकि सब कुछ पूरा डिटेल में बताना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा और पूरा डीप तक जाकर उसका सब कुछ, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ कि बिलीव्स का पूरा लिस्ट बना ली कि ये सब करके, एंड देन उन सारे बिलीव्स को डिस्प्यूट कराया, क्योंकि थॉट्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे अगर आप अपने बिलीफ को, अपने जो एक्सपीरियंसेस पास्ट आपके ख़राब हुए हैं उनको अपने अंदर से रिजॉल्व कर लोगे, उनकी बॉदरेशन को ख़त्म कर दोगे, तो आपके अंदर से वो बॉदरेशन रिलीज होते ही वो एक्सपीरियंस जो है ना आपके ख़त्म हो जाएंगे, मतलब उसका जो अभी तक वो बार बार रिपीटेड मोड पर आपको परेशान कर रहे थे वो सारा बॉदरेशन ख़त्म हो जाएगा। आप समझिए ऐसे बिल्कुल कि हमारे दिमाग में ना न्यूरॉन्स यानी कि काफ़ी सारे तार की तरह हैं। अब क्या होता है, कोई तार ऐसा है कि खुला पड़ा है,
तो वो स्पार्किंग कभी भी कर सकता है, लेकिन अगर आप तार के मुंह पर टेप लगा दें तो कोई खतरा नहीं होगा, वो आराम से चुपचाप से पड़ा रहेगा। तो क्या होता है, वो जो पुराना पास्ट एक्सपीरियंस जिसमें किसी भी तरीके का फियर था, जिसकी वजह से आपके माइंड ने वो पकड़ लिया था, तो उन एक्सपीरियंसेस को एक्सपोज कर उन्हें डिस्प्यूट कर उन्हें सॉर्ट आउट कर उसकी फीलिंग्स रिलीज़ करवा कर हम क्या करते हैं, बिल्कुल उस नंगे तार पर जो स्पार्किंग कर रहा था उस पर मान लीजिए टेप लगा दिया है, तो अब आपके अंदर वो चुपचाप से सेफ पड़ा रहेगा, क्योंकि उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अब वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, इसलिए रूट लेवल पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहे उसके रिलीजियस सोसाइटी चेकिंग या क्लीनिंग से रिलेटेड जितने भी उसके अंदर कोर बिलीफ सेट हुए हुए थे, जो उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे, उसको एंजाइटी प्रोड्यूस कर रहे थे, उन सब के ऐसा करिए उन सारे पैटर्न्स पर वो टेप लगा के वहीं पर सील कर दिया गया उनको, ताकि अब वो प्रॉब्लम बॉदरेशन क्रिएट ना करें। उसको बहुत सारी माइंडफुलनेस टेक्निक, फाइव सेंसेस की अवेयरनेस टेक्निक सिखाई। आप मेरे ऐप पर भी देख सकते हैं काफ़ी सारी जो है ना इस तरीके की आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसको मेडिटेशन कराते थे, उसको जो है ना एक्सरसाइजेस के लिए बोलते थे, उस सब से उसने अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना, रिलीज़ करना, अपनी बॉडी में लोकेशंस क्या क्या थी उसकी एंजाइटी के, उस सब को उसने जो है ना फाइंड आउट कर वहाँ पर सबको रिलैक्सेशन फील किया, उसने फिल कर लिया अपनी पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन। देन उसको पहले इतना कॉग्निटिव लेवल पर, बॉडी लेवल पर तैयार करने के बाद फिर हम उसको एक्सपोजर देते थे। तो एक्सपोजर कैसे कैसे देते थे कि जाओ भगवान के सामने जाकर खड़े हो और आंखें मिलाकर भगवान को श्रद्धा भाव से देखो, और देखो अब जो पुराने थॉट्स आने की कोशिश कर रहे हैं उनको कैसे अपने नए क्लियर थॉट्स से आप रिप्लेस कर रहे हो। अब उन बॉडी लोकेशंस पर जहाँ पर ओसीडी पहले अटैक करती थी, देखो वहाँ पर रिलैक्सेशन है, तो उसका इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। उसको सिखाया गया कि आप जब तक थॉट को फोकस देते रहोगे, जब तक थॉट पर आप इम्पोर्टेंस देते रहोगे तो वो परेशान करेगी, लेकिन जब आप उसको इम्पोर्टेंस ना देकर अपना जो थॉट बनाया है उसी में ही विश्वास रखोगे, उसी पर ही फोकस करोगे, तो वो क्या है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल इस तरीके से कि हमारे दिमाग में बिन बुलाए मेहमान की तरह, जैसे होता ना घर में बिन बुलाए मेहमान आ गया मुंह उठाकर ऐसे ही, और रोजाना अगर आप उसे चाय नाश्ता कराने लगोगे तो क्या है, वो तो कभी भी आ जाएगा और आपका टाइम बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर आप समझदार हो जाओ और वो कभी भी आकर बैठ जाए और आप अपने काम वाम में लगे रहो तो क्या होगा, थोड़े टाइम में समझ जाएगा कि भाई तुम्हारी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, बिना बुलाए ऐसे आना नहीं चाहिए, और वो धीरे धीरे आना कम करके बंद कर देगा। क्योंकि अगर बहुत बेशरम भी होगा तो थोड़ा बहुत और आ भी सकता है, और थोड़ा सा समझदार होगा तो फिर नहीं आएगा एक दो बार इग्नोर करने में। तो ऐसे ही थॉट पैटर्न्स होते हैं, वो आते हैं अगर आप सारा काम धंधा छोड़कर उन्हीं पर फोकस करने लग जाते हो तो वो क्या है, और ज़्यादा आते हैं, और ज़्यादा आते हैं। तो हमें क्या है, उन पर फोकस नहीं करना, हमने पहले ही क्या किया, कॉग्निटिव लेवल पर मजबूत कर दिया, अपना एक क्लियर नया थॉट बना लिया, उसी को माइंड में रखकर और बॉडी में वो रिलैक्सेशन के एहसास के साथ अब हम एक्चुअल में एक्सपोज करने चले गए वहाँ पर। तो अब वो थॉट आने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन हम तो पहले से ही अपना सेफ्टी प्रोसीजर लिए हुए हैं, नया थॉट क्लियर थॉट के साथ और अपने पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन को फील करते हुए, और उसके साथ वो टूल हमें आ गया है, वो हमारे को पूरा का पूरा विजडम है अब हमारे पास कि किस तरीके से उस एंग्जाइटी को बियर करना है। और हमें ये भी समझ में आ गया इस प्रोसेस में कि जो फीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल ऐसे बेल शेप की तरह होती हैं, जाती हैं ऊपर चढ़ती हैं और थोड़ी देर टिकती हैं और फिर नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो अब हमें ये सारा का सारा ट्रेन कर दिया गया, तो अब हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं। और जैसे ही आप एक ट्रिगर के दो तीन एक्सपोज करते हो, आप देखते हो कि आपके अंदर से वो चीज़ ख़त्म, जितना एक्सपोजर करते हो। लेकिन अगर आपको मेंटल लेवल पर पहले तैयार नहीं किया और डायरेक्ट एक्सपोजर के लिए भेज दिया, तो वो एंग्जाइटी क्या है, आपको इतना अनकंट्रोलेबल, इतनी ज़्यादा पैनिक फीलिंग देंगी कि आप एक्सपोजर नहीं कर पाते हो। तो इसी तरीके से इसको रिलीजन के चेकिंग कि ठीक है, एक बार कॉन्फिडेंटली अपनी कार से उतरो, तो उतरो और देखो कि आपने जो है ना माइंडफुलनेस से लॉक किया, कि अब लॉक में लॉक अनलॉक का दोनों होता है, तो आप अपनी विजुअल सेंस से देखो कि आपने लॉक वाले पर ही वो दबाया है, तो देखो कि आपकी आंखें देख रही हैं कि आपने अपने थंब से लॉक वाले को प्रेस किया है, एंड आपने कानों में सुनो कि लॉक करने पर जो एक साउंड आया है वो आया है, और आप आगे बढ़ जाओ। अगर आपका ओसीडी आपको बोले भी कि एक बार चेक कर ले, देन आपको पता है कि आपने अपनी आंखों से देखा है कि आपने लॉक वाले पर ही प्रेस किया था और आप आगे बढ़ गए थे, क्योंकि आपने साउंड भी सुना था, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। तो इस तरह से जब आप पूरा पक्का हो के इस तरह से एक्सपोजर, तो हर तरीके की उसको एक्सपोजर कराइए, क्लीनिंग के भी, रिलीजियस के भी, उसके जितने सारे ट्रिगर्स से सब के एक्सपोजर पहले मेंटल लेवल पर तैयार करके कराए गए। वो बिल्कुल अपनी ओसीडी से बाहर आ गया, वो कहाँ एक टाइम पर सुसाइड करने की सोच रहा था और कहाँ वो अब अपनी शादी की तैयारी कर और खूब बढ़िया तरीके से ज़िंदगी के नए नए सपने बन रहा है। तो भाई ओसीडी 100% ठीक होता है। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ओसीडी सफरर्स को देखकर, क्योंकि मुझे
ऐसा लगता है कि जब ये भाई ठीक हो सकते हैं तो प्लीज़ थोड़ा टाइम की मेहनत कर लीजिए। मैं आप सब लोगों के लिए लगातार वीडियोस बना रही हूँ, आपको क्वालिटी कंटेंट दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई भी ओसीडी सफ़र है तो प्लीज़ 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 मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। एक ओसीडी सफ़रर वास्तव में बहुत परेशान होता है। अगर आप कोई पेरेंट हैं, आपके घर में बच्चा है कोई ओसीडी सफ़रर है, प्लीज़ उसके लिए एम्पैथेटिक होइए। समझिए कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, क्योंकि आप हम जो बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं तो हमारे लिए ये सोचना बहुत आसान है, अरे एक थॉट ही तो है, क्यों नहीं, क्यों ऐसे उलझा पाए, क्यों नहीं कर लेता। लेकिन जो सफ़र कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए प्लीज़ एम्पैथेटिक होइए। आप अगर उनकी मदद नहीं कर सकते हैं या वो खुद सेल्फ हेल्प नहीं कर सकते हैं तो जहाँ पे आपका मन करे प्लीज़ उनको ज़रूर ट्रीटमेंट दिलवाइए, क्योंकि ओसीडी बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और आपको मुझे कमेंट कर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जाते जाते एक बात और याद दिला रही हूँ कि ओसीडी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन तीनों लेवल पर काम करना पड़ेगा। विचार भी बदलने पड़ेंगे, रिलैक्सेशन भी अपनी बॉडी में पूरा का पूरा आपको फील करना होगा, उसके लिए एक्सरसाइजेस की भी इंपॉर्टेंस है, एंड साथ ही साथ एक्सपोजर भी करना होगा, और फिर ओसीडी से आप आउट हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।